होटल के कस्बा हसनपुर के नवीन गर्ग नामक व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले मामले में CIA होटल ने चंद घंटों के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले का खुलासा करते हुए होटल के DSP सज्जन सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के आदेश पर होटल की अपराध शाखा पुलिस ने बहुत बड़े 50 लाख रुपए की रंगदारी के मामले का खुलासा चंद घंटों में करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि कस्बा हसनपुर के रहने वाले नवीन गर्ग ने पुलिस को शिकायत दी कि 10 अक्टूबर 2022 को समय 4:07 PM पर जब वह हसनपुर में अपनी किराना की दुकान फर्म कन्हैयालाल धर्म प्रकाश पर था तो उसको फोन नंबर 8215671208 पर फोन नंबर 9166506758 से फोन आया, जिसने अपना नाम रावत निवासी राजस्थान बतलाया और उसे व परिवार को हत्या का भय दिखाकर 50 लाख की रंगदारी मांगी। DSP सज्जन सिंह ने बताया कि व्यापारी द्वारा मिली शिकायत के आधार पर तुरंत ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। DSP ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए होटल CIA प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह की टीम में तैनात सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार ने साइबर सेल प्रभारी विनोद कुमार की सहायता एवं तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मामले का 6 घंटे के अंदर ही भंडाफोड़ कर फिरौती की इस वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को हसनपुर क्षेत्र से धर दबोचने में सफलता हासिल की। उन्होंने बताया कि 4 आरोपियों के पहचान कृष्ण पुत्र ब्रजेंद्र निवासी महौली थाना हसनपुर, राजू पुत्र तुलसी निवासी हसनपुर, वीरू उर्फ वीर सिंह पुत्र गंगराम निवासी महौली थाना हसनपुर, चौथा आरोपी जसवंत उर्फ भोंगा पुत्र करतार निवासी गांव लिखी थाना हसनपुर जिला पलवल के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कृष्ण जो बॉर्डरों पर टोल टैक्स पर पर्ची काटने का काम करता है, जिसने राजस्थान गुजरात बॉर्डर से एक सिम कार्ड फ्रॉड करने की नियत से खरीदी थी, जिसे आरोपी कृष्ण ने अपने गांव के वीर उर्फ वीर सिंह को दी थी। आरोपी वीर उर्फ वीर सिंह कस्बा हसनपुर में सैलून का काम करता है तथा पीड़ित नवीन कर्ग का इसकी दुकान पर आना जाना था, जिसका इसके पास पीड़ित का मोबाइल नंबर भी था। आरोपी वीर उर्फ वीर सिंह ने अपने अन्य साथी राजू पुत्र तुलसी तथा जसवंत उर्फ भोंगा के साथ मिलकर पैसा कमाने के लिए यह फिरौती की मांग की। अभियोग में धारा 420 IPC जोड़ी गई है। सभी आरोपियों को पेश अदालत कर रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपियों की रिमांड के दौरान वारदात में प्रयुक्त मोबाइल आदि के बरामद के प्रयास किए जाएंगे। कल रात को हसनपुर थाना में दरखास्त प्राप्त हुई थी कि नवीन गर्ग एक व्यापारी उसको किसी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। उस पर हमारे पुलिस अधीक्षक श्री राजेश IPS के CIA होटल साइबर सेल और थाना हसनपुर के इसमें 4 आरोपियों गिरफ्तार। तो सर कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्या क्या नाम है सर और किससे वो रंगदारी मांगते हैं? ये 4 आरोपियों में से 2 आरोपी तो रहने वाले हैं माहौली गांव के, एक लिखी गांव का है और एक है हसनपुर गांव। क्या क्या नाम है इनके? मेन आरोपी है वो वीर सिंह है, दूसरा कृष्ण, तीसरा जसवंत और चौथा राजू। ये कितने लोग गिरफ्तार किए हैं, कितने आरोपी गिरफ्तार? 4 आरोपी गिरफ्तार। तो सर क्या काम करते हैं चार? इसमें से एक क्या, तो जो मेन आरोपी है वीर सिंह उसका है सैलून का काम। तो ये जो व्यापारी है नवीन गर्ग इसके सैलून पर कटिंग करवाने आता है, इसको अच्छी तरह जानता था, इसको पता था कि भाई ये इसकी अच्छी फर्म है और उसका इसके पास नंबर भी है। तो इन्होंने प्लानिंग किया था इसको फोन करके इससे 50 लाख रुपये की रंगदारी। तो सर क्या कार्रवाई कर गया इसमें? ये जो सारा आपने जो पर्दाफाश किया है, ये कैसे कैसे आपने पुलिस कार्रवाई की, क्या क्या इनके? हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने इस पर FIR दर्ज की और हमारे SP साहब के दिशा निर्देश अनुसार इसमें से आइए होटल ने साइबर सेल ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पर्सनल इंक्वायरी के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार। तो सर इनमें 4 में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है कोई पहले? इसमें सभी तक एक राजू का पता लगा, उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज। क्या कोई इन पर हथियार वगैरह बरामद किया? अभी तक कोई हथियार वगैरह। आरोपी के अनपढ़ है या शिक्षित है? ज्यादा शिक्षित भी नहीं कह सकते, भी छोटे मोटे काम धंधे करने वाले आदमी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे। पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी? रिमांड पे लिया जाएगा? अभी इनको रिमांड पे लेके इनका जिससे सिम से जो कॉल की थी वो सिम और वो मोबाइल फोन को इनसे रिकॉर्ड किया। इससे पहले भी इन्होंने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है? अभी तक तो पता नहीं लगे, बाकी 35 का मैटर है, 35 में और पूछताछ होगी तो पता लग जाएगा। गोपी
कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।